तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अपने लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने जब हाई लगाया तो ये लगातार हायर हाइज पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ता चला गया और इसी के साथ अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है और इंट्राडे में इसमें लगभग 8% की तेजी भी देखने को मिली है। तो दोस्तों यहां से आगे स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2612 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसमें लगभग 8% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 15,852 करोड़ का है। स्टॉक पीस थोड़ा सा क्या काफी ज्यादा हाई है, 93 का है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभल कर काम करना पड़ेगा। बाकी आरओसी तो इसका काफी बेहतरीन है, 30.7% एंड आरओई भी कमाल का है, 26.6% का। और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1224 का लो रहा और 2651 का हाई लगाया इस कंपनी ने। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना सन 2006 में हुई और ये एक स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट वाली कंपनी है जिसका मेन काम है डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ डॉम्स और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आपको चार्ट पर देखने को मिलेगा। इसमें बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ऐसा कुछ खास देखने को है नहीं, वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक वो 19.5 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो इस लिस्ट में डॉम्स इंडस्ट्रीज है ही, साथ में आपका नवनीत एजुकेशन हो गया, प्लेयर राइटिंग, कैमलिन, रेप्रो इंडिया, लिंक, एस चंद एंड कंपनी जैसी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2022 में 304 करोड़ का था, दिसंबर 2023 में 382 करोड़ और जून 2024 में कुल 445 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2022 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2023 में 38 करोड़ और जून 2024 में 54 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2020 में 654 करोड़ का था, मार्च 2022 में 686 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुछ 1603 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2020 में 38 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 17 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर अभी करंट में कुल 178 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि काफी अच्छी बात है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2020 में 58 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 123 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में कुल 172 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2020 में 400 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 497 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में कुल 1190 करोड़ का एसेट भी है। तो देखा जाए तो इसके मुकाबले इसका जो लोन है वो फिर भी अभी मैनेजेबल है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2023 में 74.95% थी, जून 2024 में भी 74.95% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी स्टेक बेचा नहीं है। FIIs की बात करें तो 6.13% से 6.55% हो गए, यानी कि पोजीशन बड़ी है। DIIs की होल्डिंग 15.14% से घटकर 15.11% एंड पब्लिक की होल्डिंग 3.77% से घटकर 3.38% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम डॉम्स इंडस्ट्रीज के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिप्रिसिएशन का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, कैपेक्स वर्सेस आरओसी भी इनका पिछले 3 सालों में काफी कमाल का कर रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम है, 3% कोई वैल्यू नहीं होती, रिटेलर्स की होल्डिंग थोड़ी और बढ़नी चाहिए, बाकी और वो इसे कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। तो अगर हम डॉम्स इंडस्ट्रीज के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 12% का इसके पास मार्केट है डोमेस्टिक स्टेशनरी के सेल्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी 41%, क्लोस्टिक आर्ट मटेरियल 27%, किट्स एंड कॉम्बोज 11%, पेपर स्टेशनरी 10%, ऑफिस सप्लाईज 8%, 3% अदर्स। सेगमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में काम करता है 100% और लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में अराउंड 86%, बाकी का 14% ये एक्सपोर्ट करता है आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में भी कर ली कि एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न इसमें बनता नजर आ रहा है और देखे तो काफी बेहतरीन अप ट्रेंड बना हुआ है और इसमें जो स्टॉक है एक बार फिर से अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज कर चुका है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो कमिंग टारगेट है वो बहुत ही जल्द 2800 का भी ट्रेड करता नजर आ सकता है और फिर अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर इसमें 3100 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ठीक ही है, बट फिर भी अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।